5 मई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बंगाल हिंसा की निंदा की और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इस हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के बारे में बात करते हुए एक वीडियो क्लिप दिखाई गई। इस क्लिप में मरने वाले सभी कार्यकर्ताओं की तस्वीर और उनसे जुड़े कुछ वीडियो शामिल थे। भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो पोस्ट किया गया था। इसके बाद 6 मई को इंडिया टुडे के पत्रकार अभ्रो बनर्जी ने एक ट्वीट के जरिए ये बताया कि भाजपा जिस मारे गए कार्यकर्ता माणिक मोइत्रा की तस्वीर दिखा रही है वो असल में उनकी यानी अभ्रो बनर्जी की तस्वीर है। अभ्रो ने कहा कि भाजपा उस तस्वीर में दिख रहे शख्स को शीतलकुची का रहने वाला बता रही है, लेकिन वो वहां से 1300 किलोमीटर दूर हैं और सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो ऐसे फेक पोस्ट पर भरोसा न करें और चिंता भी न करें। ऑल्ट न्यूज को वो तस्वीर भी मिल गई जो भाजपा ने इस्तेमाल की थी। ये अभ्रो बनर्जी की फेसबुक टाइमलाइन पर मौजूद है, जिसे मार्च 2017 में अपलोड किया गया था। अब बात माणिक मोइत्रा की। बंगाली मीडिया आउटलेट आनंद बाजार की 3 मई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा समर्थक माणिक मोइत्रा की शीतलकुची में गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि इससे पहले जब भाजपा ने शीतलकुची में मरने वाले अपने कार्यकर्ताओं के नाम जारी किए थे तो उसमें सिर्फ मोमिक मोइत्रा और मिंटू बर्मन का ही नाम था और माणिक मोइत्रा जैसा कोई नाम शामिल नहीं था। कुल मिलाकर भाजपा ने किसी और की तस्वीर दिखाते हुए उसे अपना कार्यकर्ता बताकर मृत घोषित कर दिया। भाजपा द्वारा दिखाई गई तस्वीर माणिक मोइत्रा की नहीं बल्कि इंडिया टुडे के पत्रकार अभ्रो बनर्जी की है।